मिस्र की स्वेज नहर में जाम खुल गया है। करीब एक हफ्ते से वहां फंसे विशाल जहाज को बड़ी मशक्कत के बाद रास्ते से हटाया जा सका। टग बोट्स और ड्रेजर की मदद से 400 मीटर लंबे एवर गिवन जहाज को निकाला गया। सैकड़ों जहाज भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली इस नहर से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। जहाज को हटाने में मदद करने वाली कंपनी बोस्कालिस के सीईओ पीटर बब्सकी ने कहा कि एवर गिवन सोमवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3:05 पर फिर तैरने लगा था, जिसके बाद स्वेज नहर का रास्ता फिर से खोलना संभव हुआ। मिस्र के अधिकारियों का कहना है कि जाम की वजह से फंसे सभी जहाजों को निकलने में करीब 3 दिन का वक्त लग जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक शिपिंग पर पड़े असर को जाने में हफ्तों या यहां तक कि महीनों लग सकते हैं। जहाज को आखिर कैसे निकाला गया? मंगलवार सुबह तेज हवाओं और रेत के तूफान के बीच फंसे 2,00,000 टन वजन वाले जहाज को निकालना बचाव टीमों के लिए मुश्किल चुनौती थी। ऐसे जहाजों को निकालने में विशेषज्ञ टीम SMIT ने 13 टगबोट का इंतजाम किया। टगबोट छोटी लेकिन शक्तिशाली नावें होती हैं, जो बड़े जहाजों को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। ड्रेजर भी बुलाए गए थे, जिन्होंने जहाज के सिरे के नीचे से 30,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी और रेत खोदकर निकाली। जब बात नहीं बनी तो सप्ताहांत पर यह भी सोचा गया कि जहाज को हल्का करने के लिए कुछ माल को उतारना पड़ेगा। आशंका थी कि कुछ 18,000 कंटेनर निकालने पड़ सकते हैं, लेकिन ऊंची लहरों ने टगबोट और ड्रेजर की उनके काम में मदद की और सोमवार सुबह स्टर्न यानी जहाज का पिछला हिस्सा निकाला गया। फिर तिरछे होकर फंसे इस विशाल जहाज को काफी हद तक सीधा किया जा सका। इसके कुछ घंटों बाद बो यानी जहाज का आगे का हिस्सा भी निकल गया और एवर गिवन तैरने लायक स्थिति में आ गया, यानी वो पूरी तरह से निकाल लिया गया था। फिर जहाज को खींचकर ग्रेट बिटर लेक ले जाया गया, जो जहाज के फंसने वाली जगह से उत्तर की तरफ नहर के दो हिस्सों के बीच स्थित है। यहाँ ले जाकर जहाज की सुरक्षा जांच की जाएगी। इसके बाद क्या हुआ? एक मरीन सोर्स ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को सोमवार शाम बताया कि जहाज दक्षिण की ओर लाल सागर की तरफ जा रही हैं। वहीं नहर में सेवाएं देने वाली लेथ एजेंसीज ने कहा कि जहाज ग्रेट बिटर लेक से निकलना शुरू हो गए हैं। कुछ जहाज क्षेत्र से पहले ही निकल चुके हैं। उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास का एक वैकल्पिक और लंबा रास्ता लेने का फैसला किया। इन कार्गो को पहुंचने में निश्चित रूप से ज्यादा वक्त लगेगा। जब वो बंदरगाह पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि वहां भी उन्हें जाम मिले। अगले कुछ दिनों में आने वाले जहाजों के शेड्यूल में भी गड़बड़ी हो सकती है। BBC बिजनेस संवाददाता थियो लेगेट की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से यूरोप में जहाज से माल भेजने की लागत बढ़ सकती है। शिपिंग समूह मर्क्स के अधिकारी के मुताबिक साफ तौर पर इसकी जांच होगी, क्योंकि इससे बड़ा असर हुआ है और उन्हें लगता है कि इस बात पर कुछ वक्त तक बहस होगी कि वहां असल में हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि ये मिस्र के प्रशासन को देखना होगा कि जहाज हमेशा बिना किसी दिक्कत के नहर से निकलते रहें, क्योंकि ये उन्हीं के हित में है। स्वेज के बंदरगाह पर मौजूद BBC अरबी संवाददाता सैली नबील के मुताबिक एवन गिवन जहाज को निकाल लेना एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों ने पहले चेताया था कि इस जहाज को निकालने में हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन ऊंची लहरों के साथ विशेषज्ञ उपकरणों ने बचाव अभियान में पूरी मदद की। अब प्रशासन को दूसरी चुनौती से निपटना है, वो है जाम। स्वेज नहर प्राधिकरण के प्रमुख ने कहा कि जाम में फंसे सैकड़ों जहाजों में से पहले उन्हें निकलने दिया जाएगा जो पहले आएंगे। हालांकि जहाजों पर लदे माल को देखते हुए कुछ जहाजों को प्राथमिकता दी जा सकती है। वैश्विक व्यापार पर जो असर पड़ा उसने जाम को लेकर प्रशासन को बेहद दबाव में ला दिया है। मिस्र के लिए ये नहर सिर्फ राष्ट्रीय गर्व का सवाल नहीं है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। कुछ दिन पहले BBC संवाददाता सैली नबील ने स्वेज नहर प्राधिकरण के प्रमुख ओसामा रबी से पूछा था कि क्या वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कुछ शिपिंग कंपनियां भविष्य में ऐसे बड़े जहाजों को इस नहर के रास्ते भेजने से बचेंगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि स्वेज नहर का कोई विकल्प नहीं है। उनके मुताबिक ये रास्ता जल्दी पहुंचाता है और सुरक्षित है, तो यहां बात सिर्फ वक्त की नहीं बल्कि सुरक्षा की भी है। अब जहाज का क्या होगा? शिप का तकनीकी रखरखाव करने वाली कंपनी के मैनेजर्स के मुताबिक ग्रेट बिटर लेक में अब जहाज की पूरी जांच होगी। उन्होंने बताया कि प्रदूषण या कार्गो को नुकसान होने का पता नहीं चला है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि जहाज के फंसने के पीछे कोई मैकेनिकल या इंजन के फेल होने का कारण नहीं था।
बताया गया है कि जहाज पर सवार भारतीय क्रू के सभी 25 सदस्य सुरक्षित हैं। मैनेजर्स का कहना है कि उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रोफेशनलिज्म की तारीफ हो रही है। जहाज में लदे सामान में कई तरह की चीजें हैं और माना जा रहा है कि इस सामान की कीमत अरबों डॉलर है।